सभी दीदी भैया को प्रणाम। मेरा नाम सेना कुमार है, मैं चांदनी भीओ ग्राम संगठन में VRP का काम करता हूँ। मैं हरनौत प्रखंड और जिला नालंदा पिछले से आया हफ्ते हूँ। मैंने गाजीपुर गांव गए थे, वहाँ पर मानती दीदी के घर पर जीवा मित्र बनाने के लिए सीखे प्रक्रिया हमारे सीखे क्षेत्र में हैं। ऐसा भी गांव है जहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। चलिए मानती दीदी के यहाँ चलते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करना है। दीदी बताइए, जिस गांव में पानी का अभाव रहता है, उस जीवा पानी का अभाव रहता है, उसके जीवा मित्र के जगह पर क्या चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। भैया वहाँ घान जीवा मित लगता है, जहाँ की पानी के स्रोत है ये, नहीं तो कैसे जीवा मित दीजिएगा। उसमें हम लोग घान जीवा मित बनाते हैं। दीदी घन जीवा मित्र का प्रक्रिया कैसे बनाते हैं वो हमको सिखा दीजिएगा। हाँ भैया हम सिखा देंगे। देखिए भैया, ये देसी गाय का गोबर है देसी गाय कहाँ है। और बकरी के भेड़ारी है। इसको 1 महीना तक छाया में सुखाए हैं और उसका बाद अब इसको अच्छी तरह से चूर चूर कर ढेर का अथी बनावेंगे, चलनी से चालेंगे। चलिएगा हाँ ठीक है भैया, इसको चालने में थोड़ा मदद कीजिए। ये देखिए DAP रासायनिक खाद में डालते हैं ना, इसी तरह से ही मतलब घन जीवा मित को हम लोग बढ़िया से रखते हैं, अथी करके जहाँ 6 महीना तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 महीना रख सकते हैं। हाँ, इसमें जीवा मित मिलाइए और 48 घंटा के लिए इसको छोड़ दीजिए छांव में, सूती के बोरा से झांप कर। देखिए भैया, ये चाला हुआ गोबर है। चाला हुआ है। हाँ, अब इसमें जीवा मित डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसमें जीवा मित्र डालिएगा। हाँ, 2 क्विंटल ऐसा सूखा हुआ गोबर और चाला हुआ गोबर लगेगा। 2 क्विंटल लगेगा। 2 क्विंटल और 20 लीटर जीवा मित। 20 लीटर जीवा मित्र जी, 1 एकड़ के लिए 2 क्विंटल ये गोबर सूखा हुआ चाला हुआ गोबर और 20 लीटर जीवा मिट्टी लगेगा। 1 एकड़ दो क्विंटल गोबर लगेगा और 20 लीटर जीवा मित्र लगेगा। जी, तब घन जीवा मिट्टी तैयार होती है। अभी हम भैया 1 कट्ठा के लिए बता रहे हैं, ये 1 कट्ठा के हैं भैया, 15 किलो। 15 किलो गोबर है। हाँ, और इसमें जीवा मित्र कितना डालिएगा। 1 लीटर। 1 लीटर जीवा मित्र डालिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा दीदी। अब जीवा मित्र डालेंगे। इसमें डालिएगा। हाँ, डालिए दीदी। अब इसको अच्छी तरह से ऐसे से मिलाना। मिला दीजिए। ठीक है भैया, अब इसको छांव में रख देते हैं और इसको सूती के बोरा से झांप देते हैं। कितना देर के लिए रखते हैं दीदी। 48 घंटा के लिए भैया, धूप में नहीं, छांव में इसको रखें। छांव में रखते हैं। हाँ दीदी, 48 घंटा के बाद क्या करते हैं। इसको कड़ी धूप में मतलब छिड़िया के सुखा देते हैं। सुखा देते हैं। हाँ, और उसका बाद सुखैला के बाद क्या करते हैं। बोरा में कस कर रख देते हैं, 6 महीना तक इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पानी के अभाव है वहाँ। पानी का जहाँ अभाव है वहाँ पर हाँ, इसका छिड़काव करते छिड़काव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हम इसका घन जीवा मित्र के बारे में सीख लिया।